सिखाने जा रहे हैं कैसे ब्लैंक शीट को होल्ड करें, तो देखिए मेरा वीडियो समझ में पूरा पूरा आ जाएगा। ब्लैंक शीट है, ब्लैंक शीट जो टाइटल बॉक्स है उस तरह दो बराबर भागों में बांटना है इस शीट को। देखिए हम इस शीट को दोनों छोर पर सेम से इक्वल कर दिए हैं, दो बराबर भागों में बांट दिए हैं। उसके बाद इसको फिर से वही डायरेक्शन में इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो दाया है टाइटल बॉक्स उसकी तरफ उठाइए और ये इसको इसके दो बराबर भागों में बांट दिया उल्टा अपोजिट साइड। फिर इसको भी दो बराबर भागों में इक्वल में बांट देंगे, जो कि हमारा टाइटल बॉक्स दिखना चाहिए। कर देने के बाद फिर बायां साइड से 21 सेंटीमीटर कहने का मतलब 210 mm का लेंथ लेना है। ले लिए, उसके बाद इसको रख देते हैं स्केल को ताकि मूल्य वही डायरेक्शन में। देखिए 21 सेंटीमीटर का ले लिए। उसके बाद प्लग देना है, प्लग देने के बाद ये तो पूरा मोड़ा हुआ था 21, इसको मोड़ने रह दिया मैं। उसके बाद बाएं और दायां से 18 सेंटीमीटर लेंथ लेना है। बाएं से देखिए, बाएं से 18 सेंटीमीटर पॉइंट देने से होता है कि इधर उधर से मोड़ाए नहीं। इधर से हो गया, फिर राइट साइड से 18 सेंटीमीटर लेना है। इसी फ्रेंड्स लेनी है इसको भी, यहाँ पर दोनों बिंदु को पर रख कर स्केल को फोल्ड करना है। उसके बाद हो गया, फिर इसको दो बराबर भागों में हो गया 18-18 लेफ्ट राइट दोनों। उसके बाद ये दोनों को सटाएंगे यहाँ पर, ये जो बच रहा है इसको अंदर की ओर कर देना है। देखिए हो गया मेरा ब्लैंक शीट होल, जिससे टाइटल बॉक्स दिख रहा है। ये जो है लेफ्ट साइड को 30 mm बचना चाहिए। देखिए 30 mm मेरा यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यदि 30 mm बच रहा है तो हमारा ड्राइंग शीट जो है होल्ड सही है। जैसे यहाँ पर प्रोफेसर लोग देखेंगे यही मेरा हो गया। देखिए कितना मस्त हुआ। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।